हाँ गाइस, अगर आप अपने घर का इंटीरियर का काम शुरू करवाने वाले हो और आपने अपने घर के डिजाइन एंड ड्राइंग्स बनवा लिए हैं या फिर आप खुद से डिजाइन सेलेक्ट करके काम करवाने वाले हो, पर आपको क्या पता है कि घर में स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कौन सा काम करना होता है? क्या हमें फॉल सीलिंग पहले करानी चाहिए या टाइल का काम कराना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों से पहले हमें प्लम्बिंग का काम कराना चाहिए? और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है बट क्या आपको ट्रिक्स पता है कि काम करवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि घर के इंटीरियर काम कराते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटे कोच पे और मैं आपका इंटे कोच एंड इंटे बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो घर है वो एक किसी एक फ्लैट है या कोई एक अपार्टमेंट है जो कि एक बिल्डिंग या सोसाइटी के अंदर आता है। अगर आपका घर इंडिपेंडेंट फ्लैट है तो कुछ स्टेप्स उसमें से हम हटा सकते हैं, वो इजीली आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं इतने सिंपल लैंग्वेज उसे समझाऊं कि इजीली उसे एक लेमैन या एक आईटी सॉफ्टवेयर का डेवलपर भी इजीली समझ जाए। तो टोटल जो स्टेप्स होते हैं घर को बनाने के, उसमें चार फेजेस होते हैं। फेज वन, जिसमें डेमोलिशन और सिविल का काम होता है। फेज टू, जिसमें इंटीरियर के आउटर फिनिश का काम होता है। एंड फेज थ्री और फेज फोर भी है, जो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज वन की, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। फेज वन में जो सबसे पहले स्टेप बनाता है वो होता है आईडी सबमिशन, मतलब कि आप जो भी लेबर या कॉन्ट्रेक्टर को लेके आ रहे हो सबसे पहले उसकी आईडी सबमिट होगी। स्टेप टू में एक चेक डिपोजिट होगा, जिसे सिक्योरिटी चेक कहते हैं, कि मतलब जब आप घर में काम करा रहे हो तो अगर आपके कॉन्ट्रेक्टर ने कोई बिल्डिंग में तोड़ा फोड़ी कर दी और वहां से बिना बताए चला गया काम खत्म करके, तो वो चेक आपका हो सकता है। तो आपको ये चेक हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्टर से दिलवाना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अप्लाई करता है कि कौन इसमें चेक सबमिट करेगा। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ये आपको खुद से नहीं कराना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल देना है। अगर हम आपका घर बना रहे हैं तो आपको भी हमें बोल देना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने घर के 3D, अगर आपने डिजाइन बनवाया था, या फिर रेफरेंस फोटो उठा के लेमिनेट करवा के उसका प्रिंट निकलवा के उसको आपको वॉल पे चिपका देना है। अब ऐसा क्यों करना है? रीजन ये कि अक्सर ये लोग गलती कर देते हैं कि जो आपने मास्टर बेडरूम के लिए टीवी यूनिट का डिजाइन चुना था वो बन गया है हमारे ड्राइंग रूम में, और जो ड्राइंग रूम के लिए था वो था गेस्ट बेडरूम में, और जो कहीं के लिए नहीं था वो बन गया आपके मास्टर बेडरूम में। तो अक्सर ये गलतियां आ जाती है। तो कोई भी काम शुरू करवाने से पहले हमेशा अपने 3D या रेफरेंस इमेजेस को उस पर्टिकुलर वॉल पे आपको चिपका देना है। तो स्टेप 5 के अंदर आपको क्या करना है, अपने घर का अगर उस घर में फर्नीचर है तो उस पूरे फर्नीचर को किसी एक पर्टिकुलर रूम में शिफ्ट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो प्रोजेक्ट आपका 3 महीने का होने वाला है वो सीधा सीधा 4 से 4.5 महीने हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हो जाएगा, क्योंकि सामान को कभी इधर शिफ्ट करना फिर उधर शिफ्ट करना, उसी में जो 8 घंटे या 9 घंटे एक दिन साइड पे काम चलता है उसमें 3 से 3.5 घंटे वहीं की वहीं खराब हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे कहते हैं लाइन मार्किंग। दैट्स राइट, लाइन मार्किंग क्या होता है? लाइन मार्किंग का मतलब है कि जो हमने सपोज करो लेआउट बनाया है, उस लेआउट की मदद से हम फ्लोर पे एंड वॉल पे मास्किंग टेप की मदद से एक लेआउट रेडी कर लेते हैं, या किसी और मार्कर की मदद से हम वहां पे क्या करते हैं उनका निशान बना देते हैं कि यहाँ पे मेरा बेड आने वाला है, यहाँ पे हमारी साइड टेबल, तो ये फ्लोर में हम मार्किंग कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, सपोज करो कि आपने क्या किया, अपनी बालकनी और बेडरूम के पास एक गैप छोड़ दिया जिससे दरवाजा खुल सके। अब डिजाइन में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता आपके यहाँ पे अगर 2 इंच या 3 इंच आपका दरवाजा या चौखट बड़ी हो गई बाय मिस्टेक, जो कि इजीली हो जाती है, और आपका अब दरवाजा खुल नहीं रहा है। अगर आपने पहले ही लाइन मार्किंग कर ली होगी तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपका दरवाजा खुल सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको ध्यान रखना है कि अपने कॉलम और बीम को, वैसे आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कॉलम जो वर्टिकल मेंबर, बीम जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जो छत में होता है, और कॉलम जो खड़ा रहता है ब्रिकवर्क के साथ। इसमें आपको क्या करना है कि पहले ही देख लेना कि यहाँ कॉलम और बीम तो नहीं आ रहा है। ये क्यों पता लगाना होता है, क्योंकि सपोज करो हम किचन में फॉल सीलिंग करा रहे हैं, तो सपोज करो हमें किचन में चिमनी का पाइप डालना है। आपने सारा काम करा दिया, पता चला चिमनी पाइप डालने के टाइम पे जब उस पाइप को आप लेके जा रहे हो और वहां तो कॉलम आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, कॉलम में आप ड्रिल नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखो कि कॉलम एंड बीम कहां पे है आपकी ड्रॉइंग के अंदर, जरूर मेंशन हो। अब जो स्टेप 8 आता है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन शीट, मतलब कि फ्लोर कवरिंग। इसमें आपको क्या करना है, अपनी टाइल्स को, एक कंपनी की प्रोटेक्शन शीट आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इजीली किसी भी हार्डवेयर या कारपेंटर जहां पे प्लाई या लकड़ी के सामान मिलता है वहां पे आपको ये मिल जाएगी, मतलब कि प्लाई बोर्ड और प्लाई, यहां से आपको अपने फ्लोर को कवर करा लेना है। इससे फायदा क्या होगा, किसी भी टाइप का स्क्रैच या किसी भी टाइप की ब्रेकेज को ये होल्ड करके रखेगी। साथ के साथ आपके जो शीशे हैं, मतलब कि यूपीवीसी विंडो, ग्लास
जितना चमकता है उतना ही गंदा लगता है अगर उस पर इतना सा भी स्क्रैच आ जाए, हेयरलाइन स्क्रैच भी, तो जब भी उस पर रोशनी पड़ेगी वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। अब आते हैं फेज टू पे, जिसे हम कहते हैं डेमोलिशन एंड सिविल वर्क। और फेज वन में हमारा क्या हुआ था, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क, जिसमें 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो डेमोलिशन के केस में अब आपको करना क्या है कि अगर आपका बाथरूम का रेनोवेशन का काम है तो सारी टाइल्स की, वॉल की और फ्लोर की चिपिंग करा लेनी है। अगर पाइप पुराने जीआई के हैं तो वो वहां से निकलवा लेने हैं। उसी के साथ साथ वॉल में कोई डेमोलिशन होना है, वो सब होना है, तो वो हमें तोड़ के गिरा देना है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारा जो मलवा है वो डंप होगा स्टेप टू के अंदर। ये सारा मटेरियल जब तक नीचे ना पहुंच जाए तब तक आपको काम शुरू नहीं कराना है। अब कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मलवा तो छोटा मोटा इधर है। नहीं, द पॉइंट इज वो आपकी प्रोटेक्शन शीट को खराब कर सकता है। और लेबर क्या करती है, उस मलबे को या उनके बच्चे हैं, और अगर वो फ्री बैठी है तो कुछ नहीं करेगी, वो उस मलबे के टुकड़े को उठाएगी और आपकी विंडो पे मारेगी, और साथ के साथ उन दोनों मिलके खेलेंगे फुटबॉल का फीफा 2024। तो सारा डेमोलिशन और मलवा डंपिंग के बाद स्टेप थर्ड जो आता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल के जीआई बॉक्स इंस्टॉलेशन। फोटो आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, जीआई बॉक्स सबसे पहले लगा जाता है और पाइप बाद में। हमेशा ध्यान रखना, पहले बॉक्स लगेगा फिर पाइप लगेगा। अब जो पॉइंट है, ट्रिक, वो बातें कौन सी जिनको आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले जीआई बॉक्स जो इसमें स्विच सॉकेट लगते हैं वो हमेशा वॉल के सरफेस से 1 से 2 mm, 1 से 2 mm का कितना हो गया, करीब इतना आपका वॉल के सरफेस से अंदर रहना चाहिए। अब आप पूछोगे अंदर क्यों रहना चाहिए, वो इसलिए कि अगर वॉल से बाहर आ गया तो जब आप स्विच प्लेट उस पे लगाओगे तो स्विच प्लेट और वॉल के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे जाएगा। जितना बॉक्स बाहर होगा उतना ही ज्यादा गैप दिखाई देगा और देखने में बहुत गंदा लगेगा। स्टेप थ्री जो है उसके केस में आपको क्या करना है, जब जीआई बॉक्स आपका लगता है वो सीधा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर हमें स्पिरिट लेवल या बबल लेवल रखेंगे छोटा सा। वो क्या होता है, तो बबल लेवल जो है वो कुछ दिखता है ऐसा। इससे हमें पता लग जाता है कि कोई भी चीज हमारी सीधी है या टेढ़ी है, ये हमें पता लग जाएगा। अब ये देखो, अगर ये बबल लेवल बिल्कुल सेंटर में है तो मतलब कि बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा भी आउट हुआ, टेढ़ा हो गया, तो बबल लेवल इधर या उधर भाग जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है ये सेंटर में। और गाइस, ये है वीडियो ऑन पब्लिक डिमांड। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। रीजन मीन कि हमने एक चैलेंज लिया है कि इस महीने के अंदर हमें 2 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। थ्री जो है इसके अंदर वो ये ध्यान रखना है कि जो बॉक्स है वो सीमेंट और सैंड के मोर्टार से फिक्स हो, प्लास्टर वाला जो मटेरियल है उसे नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब यार स्टेप मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं जाऊंगा भूल कि कौन कौन सा स्टेप था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जिसमें हमने अब इलेक्ट्रिकल बॉक्स और पाइपिंग कर चुके हैं, अब आपको करना है एसी की पाइपिंग। दैट्स राइट, कि एसी की कॉपर पाइपिंग साथ के साथ ड्रेन पाइपिंग। और ये सच बताऊं, ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है कि भाई क्लाइंट के साथ हमने डिजाइन डिस्कस किया, सारी चीज हो गई, पूरा घर का इंटीरियर रेडी, और बाद में पता चला कि यार एसी का तो पाइप ही नहीं डाला, ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा, और हो गई गड़बड़। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि जब आपका इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है उसी ही टाइम पे आपको कॉपर पाइपिंग, अगर स्प्लिट एसी लग रहा है तो वो करवा लेना है, विंडो एसी लगना है तो उसकी जगह ढूंढ लेनी है, ये पहले ही डिसाइड करो। अब जो इसमें ट्रिक है वो क्या ध्यान रखना है, कॉपर पाइपिंग के अंदर जो कॉपर पाइप बाहर निकलता है, फोटो में देखो, ये कम से कम 1 से 1.5 फुट एक्स्ट्रा अंदर की तरफ होना चाहिए और 1 से 1.5 फुट एक्स्ट्रा बाहर की तरफ होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि ये पाइप कम छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से गैस वेल्डिंग दोबारा करनी पड़ती है, मतलब बेसिकली कॉपर की वेल्डिंग दोबारा करनी पड़ती है, जिससे कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको इसका ट्रिक का ध्यान रखना है वो ये है कि इस कॉपर पाइप को जो हमने एक्स्ट्रा निकाला है, अक्सर लेबर या लेबर के बच्चे इस पे पकड़ के स्विंग का काम करते हैं, जिससे कि वो पाइप जो है पूरा बेंड हो जाता है और अगेन उस पाइप को काट के फिर से वेल्डिंग करना पड़ जाता है। तो मेक श्योर उसे आप अच्छे से कवर करवा दो। नेक्स्ट जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्या होता है एसी का जो कॉपर पाइप से ड्रेन पाइप डलता है ना, जिसमें से उसका पानी बाहर जाता है, उसका कोई पर्टिकुलर रूट डिसाइड नहीं होता है, ना ही ड्रॉइंग्स में डिसाइड होता है। तो इस पाइप को कई बार हम वॉल से ले लेते हैं, इस पाइप को कई बार हम फ्लोर से भी ले लेते हैं, लेकिन अक्सर जो यहां गलती होती है, 99% केसेस में मैंने देखा जितने विजिट में गया हूं, जो सीपेज के रीजन निकले हैं, वो बाथरूम से नहीं निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा निकलते हैं एसी के कॉपर पाइपिंग से। आप बिलीव नहीं करोगे, रिसेंटली 1 से 1.25 करोड़ की एक साइट के इंटीरियर का हैंडओवर होता है, जिसके अंदर हम विजिट में जाते हैं, जो पूरा इटालियन पत्थर है काला पड़ चुका है। अब उसका रीजन जो है वो रीजन ये है क्योंकि एसी का ड्रेन पाइप जो था वो 3 जगह से उसमें मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 1, कि जो पाइप एसी का पाइप निकाला वो कभी किसी ड्रेन में पहुंचा ही नहीं। सेकंड, जब पत्थर वाला पत्थर लगा रहा था तो उसने पत्थर लगाते वक्त
फ्लोर में ब्लेड चला दी जिसकी वजह से पाइप कट गया। और तीसरा वॉल पे जो कंटिन्यू सीपेज थी कि जब एसी का पाइप नीचे उतरा उसमें क्या हुआ कि वो पाइप आपस में जॉइंट ही नहीं था, किसी ने निकाल दिया था। हो सकता है लेबर हो सकता है कोई काम कर रहा, तो होता है ना कि यार ठीक है इसको हटा के साइड रख दो बाद में लगा देंगे, और पता चला कि वो पाइप वापस कोई जोड़ना ही भूल गया। तो ऐसी टाइप की दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं। तो इसका जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जैसे ही आप एसी के कॉपर पाइप को डालो इसमें आपको क्या करना है, अगर फ्लोर से जा रहा है तो उसको मसाले से पहले ही कवर करा देना और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस पाइप को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा आपको क्या रखना है कि जब भी एसी का पाइप जो ड्रेन पाइप है जिसमें पानी जाएगा उसको जहां भी दीवार से लेके जा रहे हैं उसकी आपको फोटो खींचनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरा पाइप जा रहा है तो मेरे को उस वॉल से और फ्लोर से या सीलिंग से डायमेंशन लेनी है जिसकी वजह से इन फ्यूचर सपोज करो मेरा इस वॉल पे कॉपर का पाइप जा रहा है, अब मुझे यहाँ फुल हाइट वार्डरोब लगानी है या कोई ऐसी चीज है जो मुझे टंगानी है। जैसे कि आप सपोज करो देखो ये यहाँ पे कील लगी हुई है जो हमने कुछ टंगाने के लिए देखा था अपने सिल्वर बटन को लगाने के लिए, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो सिल्वर का बटन हमने लगाया तो क्या उस कारपेंटर ने ये चेक किया कि जो पीछे ये ट्रिम हमने लगाई है इस ट्रिम के पीछे एसी का ड्रेन पाइप हो सकता है? नहीं। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखो कि यहाँ पे एसी का ड्रेन पाइप है, उसको अपने फोटो को खींच के ड्राइव में या किसी डॉक्यूमेंट में डाल दो, नहीं तो एंड टाइम पे फोटो ढूंढते रहो कभी मिलेगी नहीं। नेक्स्ट जो इसमें ट्रिक है उसका ध्यान ये रखना है कि जब आप एसी का पाइप इंस्टॉल करा रहे हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लैट में, तो अक्सर बिल्डर्स क्या करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए दो फ्लैट की जो कॉमन वॉल होती है उसको 4 इंच का ही छोड़ देते हैं, तो ये ना हो कि आपका बंदा जब ड्रिल कर रहा है या झिर्री काट रहा है पाइप को लगाने के लिए, क्योंकि कॉपर का पाइप बहुत मोटा होता है, तो ऐसा ना हो झिर्री काटते करते बगल वाले के घर में भी झिर्री काट। ऐसा मेरे साथ, ये सारे एक्सपीरियंस जी मेरे साथ हुए हुए हैं जब मैं अपने इनिशियल स्टेज में कंस्ट्रक्शन कर रहा। और सच बताऊं ये चेकलिस्ट मतलब अगर 100 कॉन्ट्रैक्टर है मार्केट में से तो दो ही होंगे जिनके पास ऐसा रिटर्न में या चेकलिस्ट फॉर्म में ये चीजें होंगी जिन्हें वो फॉलो करते होंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी झिर्री है वो हम मटेरियल से सीमेंट और अगेन सैंड से मिक्स करके उसको हम फिल कर देंगे एंड दैट्स इट। अब यहां पे जो आपको झिर्री फिल करनी है मतलब कि जो आपने कंड्यूट और बॉक्स के लिए जो कटाई करी थी उसमें आपको मोर्टार जो है सीमेंट और बदरपुर का ही रखना है, प्लास्टर वाला यूज नहीं करना क्योंकि अक्सर उसके बाद क्रैक डेवलपिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो मेक श्योर इसी मटेरियल से आप ये। अब यहां जो स्टेप 6 हुआ वो है हमारा वायरिंग। अब वायरिंग तो नॉर्मल हो गई है, इसमें ब्रांड हेवेल्स, पॉलीकैप, फिनोलेक्स, केईआई ये ब्रांड आप यूज कर सकते हो। अब इसमें ट्रिक क्या है वो ध्यान रखो कि लाइट के लिए 1.5 mm का वायर यूज होगा, जो लाइट की सर्किट्स है जो पावर सॉकेट होते हैं उनके लिए 2.5 mm की वायर, और एसी गीजर या मोटर ऐसे हैवी अप्लायंसेस के लिए इनके लिए आपको 4 mm की वायर यूज करनी है। और इसमें मेक श्योर करना है जो वॉल के अंदर पाइप डले हैं उसके अंदर इतना मार्जिन खाली हो कि इन फ्यूचर 1 से 2 तार उसमें और ट्रेवल कर जाए, एग्जांपल के तौर पर 30% स्पेस रहना चाहिए। अब यहां से साथ के साथ आपका पैरेलली प्लंबिंग का काम शुरू होगा, इलेक्ट्रिकल एक तरफ चल रहा है और प्लंबिंग उसके साथ चलेगा। अब डिपेंड करता है साइड टू साइड कि अलग अलग चलाना है, डिपेंडिंग क्लाइंट वहां पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप वहां रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो उस पे सारे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर स्पीड में काम कराना है तो इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग हमेशा पैरेलली चल सकते हैं। अब मुझे लग रहा है गाइस कि ये वीडियो जो है अभी तक शूट करते करते थक चुका हूं और पसीने आ गए हैं, तो अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, और अगर आपको उसका नेक्स्ट फेज चाहिए तो कमेंट करके बता देना कि यार हाँ हमें नेक्स्ट फेज चाहिए और हमें ये वीडियो अच्छा लगा, तो दैट्स इट, मैं इसका नेक्स्ट फेज ले आऊंगा। तो अगर आप आज कमेंट कर दोगे तो साथ के साथ अगले ही दिन हम इसको शूट करके 3 दिन के अंदर इसको दे देंगे। हो सकता है अगर किसी का घर बन रहा है तो दिस इज द राइट टाइम कि वो अपने घर को अच्छे से बना सके, मेंटेनेंस फ्री रख सके, जिससे कि आगे जाके उनके घर में कोई प्रॉब्लम ना। तो आई होप गाइस को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रेस इट लाइक बटन टू मोटिवेट अस, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो इस महीने के अंदर में इसको 2 लाख करना है। तो थैंक यू सो मच एंड टिल देन गुड नाइट।